अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल हैं आप सबके? आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। तो आज का जो मैंने व्लॉग शुरू किया है ना, तो मैं बहुत ही जल्दी किचन में बिज़ी थी, काम कर रही थी, और अभी मैं उस्मान के लिए लंच पैक कर रही हूँ। मैंने जल्दी जल्दी से बोनलेस चिकन का पुलाव बनाया और इसमें ना मैंने बिरयानी मसाला डाल के और बस जल्दी से बना लिया। अच्छा जी, आज मैं तैयारी कर रही हूँ, मेरे घर में गेस्ट आने हैं और स्टे करेंगे, तो वो मैं आपके साथ कमिंग डेज़ में शेयर करूंगी। तो ये प्रोग्राम कुछ ऐसा प्लान नहीं था, और कौन आ रहा है और क्या होगा कैसे होगा वो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ कमिंग डेज़ में शेयर करूंगी। तो उन्होंने मुझे कल रात को ही बताया, और आपको मैंने बताया था कि मेरी तबीयत जो है वो पिछले दिनों में मुझे फ़ीवर काफ़ी ज़्यादा हुआ हुआ था। तो जब मुझे पता चला, सुबह को मैं उठी, मैंने नाश्ता बनाया उस्मान के लिए, लंच रेडी किया, उसके बाद जी मैंने कहा चलो जी लग जाते हैं, मैंने मेडिसिन ले ली। और मेडिसिन आप लेते हैं तो आपको पता है कि फिर आप थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं, बेहतर फील करते हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया वॉशरूम से। अच्छा, मैंने वॉशरूम की वीडियो तो बहुत कम बनाई है, लेकिन मैं आपके साथ कभी कभी शेयर करती हूँ, तो मैंने कहा चलें आज ये भी थोड़ा सा मैं ऐड कर देती हूँ। लेकिन मैंने आज पूरे 2 घंटे लगाए, इसका फ्लोर भी, इसकी वॉल्स तक भी, और सारा जो बेसन होता है उसको मैंने ब्लीच से, सर्फ से, और बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के आज मैंने साफ़ किया, बिल्कुल ही मैंने चमका दिया था। तो ये देखें यहाँ पे जो है ना, इस तरह से। अच्छा, वैसे मैं ना ज़्यादातर ग्लव्स यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैं इतने जल्दी में थी और मुझे यही था कि बस मैं काम जो है ना वो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि वॉशरूम तो मेरा सबसे पहला टारगेट था कि मैंने वॉशरूम जो है ना वो सबसे पहले क्लीन करना है, और उसके बाद फिर मैं बाकी काम जो है ना वो करूँगी। तो वॉशरूम मैंने पूरे 2 घंटे लगाए, चमका दिया। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि फिर आप कहते हैं वॉशरूम ही वॉशरूम जो है वो सारे व्लॉग में है, लेकिन खैर मोटिवेशन होती है एक, और थोड़ा सा आइडिया भी हो जाता है, तो इसलिए मैंने शेयर कर दिया। अब उसके बाद जो चीज़ें बिखरी हुई थी वो मैं सारी सेट कर रही हूँ। अच्छा, मुझे ना पिछले 4-5 दिन से काफ़ी ज़्यादा फीवर हुआ हुआ था, फ्लू लगा हुआ था। अभी मेरा नाक जो है ना वो बिल्कुल लाल लाल होके पक जाता है ना जैसे, तो उस तरह से हो गया। और यहाँ पर फिर मैंने कहा कि चलो अब जो चीज़ें बिखरी हुई थी, घर के काम तो हो रहे थे, लेकिन अब डिटेल में मुझे सफ़ाई करनी थी। और आपके घर जब कोई भी गेस्ट आ रहे होते हैं या आपके घर रहते हैं, और मेरी फैमिली से ही आ रहे हैं ये भी मैं आपको बता दूं, तो जब वो रहते हैं तो जाहिर है फिर आपको घर पूरा सेट करना होता है। वैसे तो ये होता है कि यहाँ पे हर कोई बहुत बिज़ी होता है और आते हैं चले जाते हैं, रहने वाला थोड़ा सा ज़रा कम होता है। तो ये है कि मैंने कहा चलो मैं अभी जो है ना वो सारे काम कम्प्लीट कर लेती हूँ। और एक मेरा और काम था वो ये था कि ये पर्दा जो है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक्चुअली पहले भी इन्होंने शायद तार थी या डोरी या किससे इस तरह से इन्होंने बांधा हुआ था या क्या किया हुआ था, क्योंकि अभी जब मैं ये देख रही थी ना, शायद ही उस्मान ने ठीक किया तो उस वक्त ये निकल गया। तो ये मैं डेली सोच रही थी, अच्छा अभी करती हूँ अभी करती हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। तो आज मैंने कहा अब तो ये बहुत बुरा लग रहा है, इसको सेट कर लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, सुई धागे से ना इसको यहाँ पर मैंने पक्का करके और सी दिया, और अब ये है कि अब ये बिल्कुल भी ना टूटेगा ना हिलेगा। तो यहाँ पर मैं वही जो है ना कर रही थी। अच्छा, मैंने चेयर रख दी। वैसे किचन में या कहीं भी मैं चेयर रखती हूँ तो मैं बहुत डरती हूँ क्योंकि स्लिप होती है, लेकिन ये कारपेट है तो इसलिए मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो गई और मैंने चेयर रख के और उसके ऊपर ठहर के ये पर्दे सारे सेट कर दिए। उसके बाद आजकल यहाँ पे वेदर काफ़ी चेंज हो गया है, तो विंडोज़ तो मैं वैसे भी दिन के टाइम खोल लेती हूँ, लेकिन विंडो खोलने से ये होता है कि डस्ट की तरह ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ जाते हैं, तो बस मैं वही सारी क्लीन कर रही थी। अच्छा, यहाँ पे ना पाकिस्तान जैसी डस्ट नहीं आती है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो आपको फ़ील होती है, जैसे स्पेशली आजकल के दिनों में विंडोज़ ओपन रहती हैं तो आपको फ़ील होता है कि जैसे डस्ट डस्ट सी आ रही है। तो इसी तरह से चीज़ों पे भी आ जाती है। तो मैंने आज वैक्यूम नहीं करना था, वैक्यूम जो है ना वो मैंने सोचा था मैं बाद में करूँगी, क्योंकि आज मेरे बहुत सारे काम थे। वैसे तो इतने ज़्यादा काम मैं पेंडिंग नहीं रखती, लेकिन ज़ाहिर है एक तबीयत ऐसी थी, फिर दूसरा अब
ये था कि आपके घर में कोई आता है तो आपको घर को तो चमकाना ही होता है, तो इस वजह से ना फिर मैंने कहा चलो डीप क्लीनिंग प्रॉपर कर लेती हूँ। मैंने वैसे भी ये है कि वॉशरूम एक प्रॉपर डीप क्लीन करना था, एक मैंने डस्टिंग करनी थी, वो भी आजकल ज़्यादा इस तरह हो जाता है, अदरवाइज़ नहीं होता, तो वो मैंने कहा कि चलो मैं कर लूँ। और फिर अभी मैं करने लगी हूँ टेबल को सारा क्लीन, क्योंकि अब वेदर चेंज हो गया है तो सर्दियाँ हमारी बेडरूम वाली साइड पर ज़्यादा गुजरती हैं, वहाँ पर धूप बड़ी अच्छी आती है। और ये आप देखें ये कितना देखने में साफ़ लगता है और ये डेली साफ़ भी होता है, उसके बावजूद भी अभी जब मैंने स्प्रे किया ना क्लीनर से, जब मैं साफ़ करी हूँ तो आप देखें कि कितना ज़्यादा जो है ना ये इस तरह से इस पर ऐसे लग रहा है कि जैसे सालों से साफ़ ना हुआ हो। यहाँ पे आज मैं टेबल क्लॉथ तो चेंज नहीं करूँगी, लेकिन इसको मैंने अच्छी तरह से क्लीनर से साफ़ कर दिया। और ये वाला रूम जो है ना अब गर्मियों में हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो डायरेक्ट धूप नहीं आती, और यहाँ पे मैं आपको बार बार दिखा रही थी कि ये देखें देखने में साफ़ लग रहा है लेकिन कितनी ज़्यादा इस पर भी डस्ट जो है ना वो निकल निकल के आ रही है। अच्छा मैं आपको बता रही थी गर्मियों में ना हमारा ये वाला रूम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पर सुबह सुबह के टाइम धूप ज़्यादा आती है, या कभी इस तरह से होता है कि जब जा रही होती है तो किचन की साइड से आती है, तो वैसे ये वाला जो रूम है ना तो ये ठंडा होता है, लेकिन जो बेडरूम वाली साइड है ना जो वो दो रूम है हमारे, तो वहाँ पे तो ऐसी धूप होती है, ऐसे बुरा हाल होता है, तो इसलिए वो सर्दियों में यूज़ होते हैं, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर टेबल मैंने सारी साफ़ कर ली। अच्छा आपको मैं एक और मज़े की अभी बात बताती हूँ, यहाँ पर टेबल तो मैं साफ़ कर रही थी, मैट्स भी मैंने क्लीन करके रख दिए, और उसके साथ जो चेयर्स हैं ना उनकी भी मैंने सही चमका के जो है ना उनको भी मैंने साफ़ कर दिया। अच्छा मैं आपको बता रही थी मैंने शीशे भी साफ़ किए थे, मैंने सारा जो ग्लास क्लीनर होता है ना वो डाल के और जो वाइपर होता है उससे मैंने सारे साफ़ किए, लेकिन मुझे इतना डर लग रहा था ठहर के, क्योंकि बाहर की तरफ मैं हाथ निकाल के कर रही थी तो मुझे डर लग रहा था कि मैं गिर ना जाऊँ, तो मैंने इतनी कोशिश की, लेकिन ये देखें फिर भी इस पर स्टेन्स जो है ना वो आ गए थे। तो मैंने कहा अब ये कल या तो मैं उस्मान को कहूँगी या कल मैं उनको कहूँगी कि जिस टाइम पे वो घर में होंगे तो मैं कपड़े से कर लूँगी, लेकिन अभी मुझे बड़ा डर लग रहा था। तो वैसे ये बहुत साफ़ हो गई हैं, पहले यहाँ पे पानी आता है ना तो काफ़ी ज़्यादा पानी के स्टेन्स थे और अजीब सी लग रही थी, तो उस तरह से तो ये साफ़ हो गई हैं, बस ये वाइपर वाले थोड़े से स्टेन्स यहाँ पर रह गए थे। तो खैर डस्टिंग हो गई, सारे काम हो गए, समेटा समेटी हो गई, अब वैक्यूम रहता था वो मैंने सोचा था मैं बाद में करूँगी, क्योंकि मुझे ना अभी किचन के भी थोड़े से काम करने थे और कुछ और काम भी करने थे। तो यहाँ पे अब काम करते करते मुझे हो गई थी शाम, और अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। सुबह को मैंने नाश्ता किया था तो मैंने थोड़े से राइस ले लिए, थोड़े से चने ले लिए, और यहाँ पे मैं प्याज दही में डाल के ना थोड़ा सा रायता बना के और अभी ये खाऊँगी। साथ साथ कपड़े वॉश हो रहे हैं, और इतनी देर में मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी ब्रेक ले लेती हूँ और थोड़ा सा ना अपने आप को ज़रा कुछ फीड करें आप तो एनर्जी आ जाती है, तो इसलिए मैंने कहा चलो चाय शाय पीते हैं, थोड़ा सा खाते हैं। अच्छा आप यहाँ पे ना रोशनी पे मत जाया करें, यहाँ पे 10-11 बजे तक जो है ना वो ऐसे ही रोशनी रहती है, तो आपको लगेगा कि दिन है या दोपहर है लेकिन यहाँ पर रात होती है, तो इसलिए आप इस चीज़ पर मत जाया करें। यहाँ पर शुरू शुरू में ये चीज़ बहुत अजीब लगती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान यूज्ड टू हो जाता है। तो बस यहाँ पे बैठ के मैं आराम से थोड़ा सा ज़रा रेस्ट कर रही थी, मैंने खाना भी खा लिया और साथ मैंने चाय भी बना ली थी, क्योंकि चाय पी के ना फिर आप थोड़ा सा ज़रा फ्रेश हो जाते हैं, एनर्जी आ जाती है आप में। तो यहाँ पे अब मैं आ गई दोबारा से किचन में, तो मैंने कहा चलो जी बर्तन भी वॉश कर लेते हैं, बर्तन तो आपको पता है माशाल्लाह से बड़ी बरकत होती है, और मैंने ना मशीन में जितने भी किचन के एप्रन टॉवल्स रुमाल्स जो भी थे ना वो मैंने सारे डाल दिए, मैंने कहा चलो इतनी देर तक वो भी वॉश हो जाएंगे, तब तक मैं सारे काम भी कर लेती हूँ। और अभी फिर मैंने किचन के जो कैबिनेट्स हैं वो भी साफ़ कर लिए, और मैंने आज करना था ओवन को क्लीन, क्योंकि ओवन जो है ना वो मेरा बहुत ऊपर रखा हुआ है, और बहुत भी मैं कोशिश करूँ ना कि मैं साफ़ रखूँ या इस तरह से, लेकिन फिर भी ये होता है कि मेरा हाथ नहीं जाता, या सम टाइम जो है ना चीज़ उसमें कोई ना कोई गिर जाती है मुझसे, तो आज ये भी मैंने साफ़ सुथरा करके ना चमका दिया। और जो ये किचन की फॉइल है ना वो मैंने अभी कुकिंग करनी थी, कल भी करनी थी, तो इसलिए मैंने कहा वो मैं बाद में आराम से चेंज करूँगी। तो बस जी ये अब कपड़े सारे वॉश हो गए, ये मैं डाल रही हूँ, वीडियो का मैं अभी एंड करती हूँ, और ये सारे बस काम शुक्र है हो गए थे, बाकी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे काम रहते थे, और कौन आ रहा है मेरी फैमिली से, और
कैसे रहेंगे, क्या होगा, वो सब मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला आप शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।